हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बैंगन लेके आई हूँ। बैंगन का ये पौधा मैं लेके आई हूँ, तो आज मैं इसे लगाना आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स, ये उसने बोला है कि हाइब्रिड बैंगन है, पर आप जब इसमें बैंगन लगेंगे तभी पता चलेगा। और मुझे 20 रुपये का 15 पेड़ बोल के उसने दिया है, तो इसमें जब बैंगन आएगा तभी पता चलेगा कि हाइब्रिड बैंगन है या फिर कुछ और है, या झूठ बोला है सही बोला है, ये तो मैं अभी नहीं बता सकती। तो फ्रेंड्स, इसको लगाना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और मैंने लगा दिए हैं, और मैंने कुछ ज़मीन में भी लगाए हैं और कुछ मैंने पोट में गमले में भी लगाए हैं। और ये हमारी देख रहे हैं, ये बाल्टी है, नीचे से ये टूटी हुई है। और आप कोई भी पोट लीजिए, कोई भी गमला, तो नीचे से उसमें छेद बना लीजिए। बाल्टी है, खैर इसमें छेद नहीं होता, पर ये नीचे से टूटी हुई थी तो मैंने उसमें पत्थर वगैरह रख के इसे यूज कर लिया है। और ये बाल्टी लगभग 18-19 इंच या 20 इंच की, मान लीजिए 20 इंच के समथिंग ये बाल्टी है। तो आप जब बैंगन लगाएं तो थोड़ा सा बड़ा गमला होना चाहिए, क्योंकि उनकी जड़ों को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। बहुत बड़ा नहीं, आप अगर 14 इंच के गमले में भी लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा आराम से। बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं। मैंने कुछ पुराने गमले के जो गमले में लगा रखे थे बैंगन, तो मैंने जब उन्हें निकाला तो देखा है कि उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा घनी नहीं होती हैं, कि बहुत ज़्यादा अंदर तक भी नहीं जाती हैं। तो आप मान के चलिए अगर आपका 14-15 इंच का गमला है तो आराम से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस बाल्टी में आपको लगा के दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है हमने बना ली है। मिट्टी में मैंने गोबर मिलाया है और भूसी मिला लिया है, और ये नॉर्मल मिट्टी है। इस तरह से मैंने इसको बना लिया है, देखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें अब और कुछ नहीं मिलाना है। वैसे बैंगन मिर्च के लिए गोबर की खाद ज़्यादा अच्छी होती है। गोबर की खाद नहीं मिलती तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं इसमें दो प्लांट लगाऊंगी। देखिए, दो पौधा मैं बैंगन का इसमें लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी है तो दिक्कत नहीं होगी, मैं लगा लूंगी दो इसमें। क्योंकि फ्रेंड्स, ये मेरी बाल्टी जो है वो बड़ी है, तो मैं इसमें दो पौधा लगाऊंगी। देखिए, ये मैंने दो पौधा लिया है, और ये मैं थोड़ा सा होल बना ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं ये होल बना ली हूँ, ये देखिए, और ये मैं लगा दे रही हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लग जाएगा। तो आप भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास गमला नहीं है तो कोई, अगर आपके पास कोई सामान पड़ा हुआ है, बाल्टी वगैरह या कोई डब्बा वगैरह बड़ा, तो आप उसको भी यूज में ले सकते हैं, या फिर बोरी ले सकते हैं, बोरी में भी आप ही यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया है, और अब इसमें पानी डाल देना है। और खाद की अगर हम बात करें तो अभी इसमें कोई खाद नहीं देना है, इसमें मैं एक हफ्ते बाद खाद दूंगी, और वो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी जो मैं खुद बनाती हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब आप देख रहे हैं, कुछ दिन बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।